नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीड, बच्चों ने अपनी माँ की याद को संजोए रखने के लिए माँ का मंदिर बनवाया। माँ वात्सल्य की मूर्ति है, माँ प्रेम का प्रतीक है। बीड जिले के खाड़े बंधुओं ने अपनी जन्मदाता माँ की स्मृति को संजोए रखने के लिए माँ का मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया है। जो सब कुछ है, फिलहाल इस मंदिर की चर्चा जोरों पर है। राष्ट्र संत भगवान बाबा के जन्मस्थली पाटोदा तालुका के सावर गांव घाट निवासी राधाबाई शंकर खाड़े का पिछले साल 18 मई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनकी मौत खाड़े परिवार के लिए एक सदमे के रूप में आई। इस परिवार में उनके पति शंकर खाड़े के साथ उनके तीन बेटे विष्णु, राजेंद्र, छगन और एक विवाहित बेटी आशा है। राधाबाई की मृत्यु के एक महीने के भीतर इन तीनों भाई बहनों ने यह सोचकर घर के सामने की जगह में माँ का मंदिर बनाने का फैसला किया कि वे अपनी दिवंगत माँ की याद को जीवित रखने के लिए कुछ करेंगे। न केवल उन्होंने दृढ़ निश्चय करना बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने तुरंत मंदिर का काम शुरू कर दिया। इस मंदिर का निर्माण कार्य 10 मई 13 की जगह में शुरू हुआ। 6 महीने में काम पूरा करने के बाद उन्होंने स्थान पर एक बहुत ही आकर्षक और सजीव मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया। मूर्तिकार की तलाश शुरू करने के बाद पुणे के एक मूर्ति निर्माता कटेरों के बारे में पता चला। उनमें से संपर्क कर सारी जानकारी बताने के बाद भी वे इस मूर्ति को बनाने के लिए राजी हो गए। करीब 4-5 महीने मूर्ति पर काम करने के बाद उन्होंने राधाबाई खाड़े की एक सुंदर मूर्ति बनाई जो बेहद आकर्षक है और इस समय जीवंत दिखती है। उसने 3 फुट ऊंची मूर्ति बनाई। इस मंदिर और मूर्ति पर कुल 7 लाख रुपए खर्च किए गए। राधाबाई खाड़े का निधन 18 मई 2022 को हुआ। उसके बाद उनके बेटों ने राजेंद्र, विष्णु और छगन ने 1 साल के भीतर अपनी माँ का मंदिर बनाने का संकल्प लिया। पंचक्रोशी में यह एकमात्र माँ का भव्य मंदिर है। माँ सबके लिए सब कुछ होती है। दुनिया में कोई भी भगवान या इंसान कभी भी माँ की जगह नहीं ले सकता। सबसे बड़ा देवता माँ के भीतर समाया हुआ है, यह हमेशा कहा जाता है। कि लेकिन खाड़े परिवार ने इन सब बातों को साकार कर एक आदर्श रचा है। मंदिराची संकल्पना मला आई गेल्याच्या नंतर 4 महिन्यांनी सुचली, कारण की आठवणीतूनच जात नव्हती। मग त्या 4 नंतर मी मिस्त्री पाहिले, हा प्लॅन घेतला इंजिनियरकडून, असं असं मंदिर बनायचं आहे। मग मी याला 1-7 लाखापर्यंत खर्च आला मूर्तीसकट। बाकीचा कार्यक्रम मी मोठा केला, वस्त्रदान केलं, अन्नदान केलं 18 तारखेला प्रथम पुण्यस्मरणानिमित्त। याच्यामध्ये विशेष मूर्ती म्हणजे पुण्यावरून आणलेली मी, बिबिसेन कातोळे म्हणून एक खूप मोठे शिल्पकार आहेत। जसेच तसे आज आई फक्त मला बोलू शकत नाही, इतकी हुबेहूब मूर्ती म्हणजे आईच आहे, फक्त बोलत नाही, एवढी सुंदर मूर्ती। आणि एकही आम्हाला त्याच्यामध्ये उणीव नाही। जे आईचं शरीर होतं, जी साडी होती, जे गळ्यामध्ये त्याचे दागिने होते, जी नथ होती, त्या सगळं साक्षात त्या ठिकाणी, फक्त आई आमच्याशी बातचीत करू शकत नाही, एवढंच वाईट वाटते। नाही कालावधी लागला, याला 7-8 महिने लागले। मला काय म्हणायचे, ग्रामीण भागामध्ये एवढा म्हणजे नाही, आई वडिलांना सेवा करतो, पण शहरी भागामध्ये सर नक्कीच दिसतंय की मुलाला वडिलांनी मुलासाठी बंगला बांधल्यात, समजा फ्लॅट घेऊन ठेवले, त्यासाठी प्रॉपर्टी केली, पण ज्या दिवशी मुलगा सून घरात येईल त्या दिवशी सुनेच्या मनावर चालणारे हे मुलं, की त्यांना त्यांचे सुनेचे आई वडील चालतात, मग मुलाचे आई वडील का चालत नाही, ही पद्धत कुठेतरी थांबली पाहिजे। सुनेने बी तेच आई वडील समजायला पाहिजेत सासू सासरे, आणि त्यांची सेवा करायला पाहिजे, कारण की एवढं आई वडिलाशिवाय या जगामध्ये कोणीही मोठं नाही। आइए देखते अगली खबर की तरफ। छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम आयुक्त की मौजूदगी में रोबोटिक सफाईकरण उपकरण का डेमो संपन्न हुआ। 15 दिन पहले शहर में पार्ट टाइम काम करते हुए 3 लोगों की मौत हो गई थी। क्या नगर पालिका प्रशासन जाकर इस पर कोई नया उपाय कर सकता है? ऐसे उद्देश्य के लिए रोबोटिक मेहतर उपकरण एक आधुनिक मशीन है जिसका उपयोग मुंबई, पुणे, नागपुर आदि शहरों में जल निकासी लाइनों से मलबे को हटाने के लिए किया जा रहा है। उसका प्रयोग आज शहर में किया गया। नगर निगम के प्रशासक जी श्रीकांत की उपस्थिति में मशीन का प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई, लव जिहाद का मामला जल्द लाया जाए। कोविड घोटाले पर हम लाइफलाइन अस्पताल प्रबंधन सेवा की
अब आपराधिक लापरवाही के कारण शिवाजी नगर जम्बो कोविड सेंटर पुणे में कोविड मरीजों की मौत के मामले में न्याय पाने के लिए याचिका दायर करने जा रहे। जो लोग कोविड से प्रभावित है उन्हें अभी तक मदद नहीं मिली है। संजय राउत के साथ ही सुजीत पाटकर लाइफलाइन है। पुणे नगर निगम में मानवाधिकार आयोग से प्रत्येक को 50-50 लाख रुपए की सहायता देने का अनुरोध किया है। कंपनी के पास पैसा आ गया है। पीड़ितों को विश्वास है कि उन्हें मदद मिलेगी। बांडुप लव जिहाद पर 13.5 साल की बच्ची को एक युवक ने अगवा कर लिया। युवती को आजमगढ़ ले जाकर बंद कर दिया। आज उप मुख्यमंत्री से बात हुई। भांडुप पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, कार्रवाई की जाए और लड़की को अगवा करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लव जिहाद के मामले में जल्द कानून लाया जाए। त्यांना कॉम्पेन्सेशन कोविडचं मिळालेलं नाही। त्यामुळे पुणे जम्बो कोविड सेंटरचं उदाहरण द्यायचं झालं तर पांडुरंग रायकर यांचा पत्नी पण या प्रकरणात आमच्यासोबत आहेत, सहभाग आहे त्यांचं। त्यांना एक पण पैसा मिळालेला नाही। संजय राऊतचे पार्टनर सुजित पाटकर यांचा कंपनीचा पार्टनर 25 कोटी रुपये त्यांचा खात्यात ट्रान्सफर झाले। तर म्हणून हे जे पुण्यातले 3 विक्टीम आहे आणि आणखीन पण येणार, त्यांना प्रत्येकी 50 लाख फायनान्शियल कॉम्पेन्सेशन, लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, पुणे महापालिका आणि PMRDAने द्यावे अशी आमची या याचिकेत मागणी आहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।